सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे सो फर्स्ट वन है हमारा सम फंक्शन ओके सो द सम फंक्शन एड्स ऑल द नंबर्स इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स दैट यू स्पेसिफाई एज आर्ग्यूमेंट सो सम फंक्शन वो सारे नंबर्स को क्या करता है एड कर लेता है जो भी हम अपनी सेल रेंज में डालते हैं ठीक है मीन्स हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे फंक्शंस किससे मिलकर बनाए आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर से सो so, आर्ग्यूमेंट्स में हम जो भी सेल रेंज डालेंगे उन सारी सारी सेल रेंज के नंबर्स को सम फंक्शन एड करेगा ओके सो फर्स्टली वी हैव टू क्लिक ऑन द सेल वेयर वी वॉन्ट टू प्लेस द सम ऑफ वैल्यूज सो सम वैल्यू को हम जहां भी प्लेस करना चाहते हैं हमें उस सेल को सेलेक्ट करना होगा ओके सपोज वी विल सेलेक्ट द ई फाइव हमने कौन सा सेल सेलेक्ट किया ई फाइव ओके सो दिस वन इज़ दिसाइव सेल ये हमारा ई फाइव सेल है नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फंक्शन विद द इक्वल टू साइन इक्वल टू साइन से हम अपना फंक्शन स्टार्ट करेंगे सो so, यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू ओके देन वी हैव टू राइट दंक्शंस नेम हमें फंक्शन का नेम लिखना है दैट इज समू एम ओके नाउ हमें पैरेंथेसिस सिंबल को ऐड करना है ठीक है पैरेंथेसिस सिंबल हमारा क्या है ब्रैकेट दैट क्लोज ब्रैकेट इसे हम कहते हैं ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंबल इसे हम ओपनिंग पैरेंथेसिस सिंबल भी कहते हैं ओके okay? और इसे हम क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं सो क्लोज ब्रैकेट्स हमारे दोनों साइड से जब सिंबल्स आएंगे तो इसे कहते हैं हम क्लोज ब्रैकेट ओके

सेमी कॉल एंड आफ्टर द डी फाइव ओके आप उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज करना है और हमें एंटर करना है सो यू कैन सी द आंसर हमने यहाँ पे सम कर दिया और जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल को क्लिक किया है तो फंक्शन कहाँ पे शो हो रहा है हमारे फॉर्मूला बार में शो हो रहा है ओके okay? सो so हमारे पास दूसरा वे भी है कि हम इसे कैलकुलेट कर सकें यहाँ पे जहाँ पे हमने सेमी कॉलन का यूज किया है हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कॉमा ओके अगर हम एक सिंगल कॉमा यूज करेंगे तो उससे भी हम अपने सेल को क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं ओके तो तब भी हमारे पास क्या आंसर आएगा 150. फिफ्टी so, सो हमने क्या यूज करा सेमी कॉलन की जगह कॉमा यूज किया अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे तब हम क्या कर सकते हैं C5 फाइव टू सपोज एफ तो हम कॉमा यूज नहीं करेंगे हम C5 और F5 के बीच में क्या यूज करेंगे कॉलोन यूज करेंगे बट अगर हमें सिर्फ सिंगल टू कॉलम्स को ही ऐड करना है सिंगल टू सेल्स को ही ऐड करना है तो हम कॉमा यूज कर सकते हैं और अगर हमें नंबर ऑफ सेल्स को एड करना है तो हम फर्स्ट सेल का नेम और लास्ट सेल का नेम लिखेंगे और मिडल में बिटवीन में हम सेमिकोलन का यूज करेंगे ओके नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सम फंक्शन अब हम सम फंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे ओके सो फर्स्ट है हमारा इक्वल्स टू सम सम ओके फंक्शन तो हम ऐसे लिखेंगे बट हमारे आर्ग्यूमेंट हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं हम वो देखेंगे ओके okay? सो so हमने लिखा वन कॉमा टू कॉमा थ्री ओके सो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा एडिशन ऑफ वन प्लस टू प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू सिक्स हमारे पास रिजल्ट आएगा सिक्स क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर्स ऐड किए हैं तो नंबर्स क्या करेंगे ये एड ऑन कर देगा ये फंक्शन ओके तो हमने एंटर किया हमें वैल्यू मिली सिक्स ओके नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू समट स्टार्ट ए वन सेमी कॉलोन सॉरी कॉलोन ए फोर ओके सो इसमें हमारे पास इसमें भी ये तो हमारी सेम वैसी वैल्यूज होगी अगर हमारे पास ए वन से लेके ए फोर तक कुछ वैल्यूज होंगी जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल देखा था वन फिफ्टी वाला ओके okay? ये सेम वैसे ही है ना नेक्स्ट है हमारा इक्वल्स टू समट स्टार्ट फाइव कॉमा टेन कॉमा ट्रू कॉमा ट्रू ओके सो ये हमारे फंक्शन है सम आर्गुमेंट्स हमारे फाइव टेन एंड ट्रू सो फाइव और टेन की वैल्यूज तो हमारी ऐड होगी ओके okay. तो so, हमें मिलेगा फिफ्टीन बट ट्रू की भी एक अपनी एक वैल्यू होती है दैट इज वन ओके ट्रू की क्या वैल्यू होती है वन होती है और फॉल्स की वैल्यू होती है जीरो तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा सिक्सटीन हमें रिजल्ट मिलेगा सिक्सटीन फाइव प्लस टेन प्लस वन सो हमें मिला सिक्सटीन ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट अब हम यहां पे कुछ सेल्स के नेम लिखेंगे ओके okay? सपोज मैंने लिखा सी एट सी एट कॉलोन सॉरी सी एट इक्वल्स टू समट स्टार्ट सी एट कोलोन डी एट डी एट ओके ये मैंने एक रेंज फिक्स करी है यह हमारा एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट हमारा है फिफ्टीन ओके okay? ब्रैकेट क्लोज सो यहाँ पे हमारे पास टू आर्ग्यूमेंट्स है एक तो हमने सेल रेंज को सेलेक्ट किया है और हमने एक वैल्यू एंटर करिएगा okay? so, एड होगा ओके दे गेट दी आंसर वन सिक्सटी नाइन हमें क्या आंसर मिलेगा वन सिक्सटी नाइन ओके नाउ नेक्स्ट वन इज इक्वल टू सम में हम लिखेंगे फाइव लोस कॉमा ये हमारी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है नाउ फिफ्टीन कॉमा दे ओके देन ब्रैकेट क्लोज सो कोट्स में जो हमारा नंबर है उसे वो ये किसमें कहते हैं टेक्सट वैल्यू कहते हैं ओके कोट्स में हम जो भी वैल्यूज लिखते हैं उसे हम कहते हैं टेक्स वैल्यू सो सम फंक्शन सबसे पहले हमारी टेक्स वैल्यू को कन्वर्ट करेगा नंबर वैल्यू में दैट इज में कन्वर्ट करेगा इज ट्वेंटी एंड ट्वेंटी प्लस वन इज ट्वेंटी वन ट्रू की वैल्यू होती है हमारी वन ओके सो वी विल गेट दंसर ट्वेंटी वन हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ट्वेंटी वन ओके सो डबल कोट्स में हम जनरली इफ कंडीशन के लिए यूज करते हैं और इफ़ कंडीशन में हमारी क्या वैल्यूज होती हैं जो भी वैल्यू होंगी वो सेम वैल्यू प्रिंट करता है ओके बट सम फंक्शन में अगर हम नंबर्स का यूज करेंगे तो नंबर्स को वो किस में चेंज कर देगा सॉरी नंबर्स को अगर हम कोट्स में लिखेंगे तो वो हमारे क्या है टैक्स वैल्यू है बट उस टैक्स वैल्यू को सम फंक्शन किस में कन्वर्ट करेगा नंबर वैल्यू में ओके okay? सो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे सम फंक्शन के नाउ वी विल सी द नेक्स्ट फंक्शन दैट इज एवरेज सो एवरेज फंक्शन रिटर्न द एवरेज ऑफ द दर्ग्यूमेंट्स एवरेज फंक्शन एवरेज रिटर्न करता है हमारी आर्ग्यूमेंट्स का ओके सो द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी रेंज ऑफ सेल्स आर्ग्यूमेंट्स कैसे हो सकते हैं रेंज ऑफ सेल्स में हो सकते हैं सिंपली नंबर्स हो सकते हैं या फिर नंबर्स अलॉन्ग विथ सेल रेफरेंस हो सकते हैं ओके एग्जाम्पल ऑफ एवरेज दट इज फर्स्टली वी विल राइट दट इक्वल्स टू एवरेज हम एवरेज का फंक्शन हमारा किससे स्टार्ट होता है इक्वल्स टू एवरेज ए वीई आर ए जी ई एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट ओके देन वी विल राइट दी सेल्ड एड्रेसेस और द नंबर्स या तो हम सेल एड्रेस लिख सकते हैं या फिर हम नंबर्स लिख सकते हैं ओके तो सेल एड्रेस को सेम वे है हम आर्ग्यूमेंट्स को कैसे लिखते हैं या तो कॉमास की बेसिस पे सेपरेट करते हैं या फिर हम अगर हमें नंबर ऑफ सेल्स ऐड करनी होगी तो हम उसे कॉलोन से रिप्रेजेंट करेंगे ओके सो so, यहाँ पे मैंने लिखा एवरेज हमें निकालना है सी टेन सी टेन कॉलोन डी टेन ओके सो so, ये टू नंबर्स का मैंने एवरेज फाइंड आउट करना है तो मैंने यहाँ पे उनके सेल एड्रेस लिखे हैं हम इसे कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास सिर्फ टू ही नंबर्स हैं ओके टू ही सेल एड्रेसेस हैं तो हम इसे क्या कर सकते हैं कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स uh, अगर हम कॉमा से किसी भी सेल एड्रेस को या नंबर्स को सेपरेट करते हैं तो वो हमारे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में एड हो जाते हैं ठीक है अगर मैं से सेपरेट करूंगी तो हमारे यहाँ पे टू आर्गुमेंट्स होंगे बट अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉलोन यूज करा है तो यहाँ पे हमारे कितने आर्गुमेंट्स हैं सिर्फ वन आर्ग्यूमेंट है ओके okay? तो हमारे पास एवरेज हो गया सिक्सटी सिक्स पॉइंट फाइव ओके नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एवरेज फंक्शन अब हम कुछ एवरेज फंक्शन के एग्जाम्पल देखेंगे ओके सो फर्स्ट इज इक्वल टू एवरेज यहाँ पे हमने सपोज सिंपली टू नंबर्स एंटर किए ओके ये टू नंबर्स हमारे क्या है टू आर्ग्यूमेंट है क्योंकि हमने इसे किससे सेपरेट किया है कॉमर्स सेपरेट से किया है ओके देन एंटर सो हमारे पास एवरेज आया है रिजल्ट में वन पॉइंट फाइव ओके नाउ द नेक्स्ट इज सेम जो हमने कॉलोन का यूज किया था यहाँ पे ओके सो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है देन द थर्ड वन इज इक्वल्स टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट टू कॉमा थ्री कॉमा ट्रू टी आर यू ई ट्रू देन ब्रैकेट क्लोज ओके सो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा हमें किस किस का एवरेज फाइंड आउट करना है टू कॉमा थ्री कॉमा वन का ओके okay? ट्रू का मतलब होता है हमारा वन ट्रू की वैल्यू होती है वन ओके okay? और अगर यहाँ पे मैं फॉल्स लिखूंगी तो फॉल्स की वैल्यू होती है जीरो ओके एंटर सो हमारे पास एवरेज फाइंड आउट हुआ है टू क्लियर है सबको नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास अगर हमें नंबर ऑफ सेल एड्रेस लिखेंगे उसे कॉमा से सेपरेट करेंगे ओके okay? तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉमा से सेपरेट करने वाला है ओके नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज मैक्स फंक्शन सो मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग द सेट ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन रेंज ऑफ सेल्स दिस फंक्शन ओनली कंसीडर्स न्यूमेरिक एंट्रीज एंड लॉजिकल वैल्यूज एट इट्स आर्गुमेंट्स। सो मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है लार्जेस्ट वैल्यू को ओके okay? सो so, इसमें हम क्या डालते हैं सिर्फ अपने नंबर्स डालते हैं या फिर सेल रेफरेंसेस डालते हैं ओके okay? सो so, हम इसे कैसे लिखेंगे अपने सम मैक्स फंक्शन को इक्वल्स टू मैक्स इक्वल्स टू मैक्स देन ब्रैकेट स्टार्ट अब यहां पे हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स डालने या फिर हमने सेल डाल ओके सेल एड्रेसेस डाल लें सो मैंने यहाँ पे लिखा सी सेवन सी सेवन कॉलोन या फिर कॉमा का यूज कर सकते हैं डी देन डी ओके तो यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी कि सिक्सटी फाइव ग्रेटर है या फिर सेवेंटी सेवन ओके सो मैक्स में हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होती है एंटर सो द आंसर इज सेवेंटी सेवन ओके सो सिमिलरली मिनिमम फंक्शन कैन ऑल्सो भी अप्लाइड इन अ रेंज हम मिनिमम फंक्शन को भी ऐसे ही रेंज में अप्लाई कर सकते हैं द मिनिम फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग दैट ऑफ वैल्यूज इन अवन रेंज ऑफ सेल्स सो मिनिमम फंक्शन कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है जो भी हमने रेंज ऑफ सेल्स में डाली होगी या फिर हमने जो भी आर्ग्यूमेंट्स में सेट किया होगा वैल्यूज ओके नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज टूडे फंक्शन सो टूडे फंक्शन से हम फाइंड आउट करते हैं अपनी टूडे करेंट डेट ओके सो वट वी हैव टू डू

सो so, मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस की है सो टुडे इज 14th सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी ये मेरे फॉर्मेट है तो यहाँ पे पहले हमारे पास मंथ आएगा और उसके बाद डेट ओके सो आपके सिस्टम पे जो भी फॉर्मेट सेट है उसी फॉर्मेट से आपके पास करेंट डेट शो होगी ओके सो डियर स्टूडेंट्स दैट्स सॉल्व फॉर टुडे एंड फर्दर टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू